हाय एवरीवन, आज फिर से नया वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन पोल्ट्री डिजीजेस। मतलब पोल्ट्री में क्या क्या कॉमन डिजीज हो सकता है, क्या क्या बीमार हो सकता है, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेगा। जैसे कि पोल्ट्री में बैक्टीरियल डिजीज होता है, वायरल डिजीज होता है, माइकोप्लाज्माइल डिजीज होता है, इसके बाद प्रोटोजोअन डिजीज होता है, पैरासिटिक डिजीज होता है, फंगल डिजीज होता है। तो आज पहले हम लोग डिस्कस करेगा वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में क्या क्या कॉमन डिजीज, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेगा। इसका डिटेल्स जो वीडियो बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेगा। आज सिर्फ उसका नेम, क्या क्या डिजीज है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेगा। तो वायरल डिजीज में पहला वो है रानीखेत डिजीज और न्यूकास्टल डिजीज। रानीखेत डिजीज और न्यूकास्टल डिजीज में पोल्ट्री का कॉमन डिजीज है। मतलब रानीखेत डिजीज और न्यूकास्टल डिजीज वो पोल्ट्री में होता ही होता है बीमार, वो कॉमन डिजीज है, हर जगह पे वो डिजीज होता ही होता है, आउटब्रेक होता है। और नेक्स्ट होगा मराक डिजीज। मराक डिजीज भी एक वायरल डिजीज है, वो है पोल्ट्री में कॉमन डिजीज है वो भी। तो थर्ड आएगा गम्बरू डिजीज और इन्फेक्शियस बार्सेल डिजीज। गम्बरू डिजीज और इन्फेक्शियस बार्सेल डिजीज, उसको इन्फेक्शियस बार्सेल डिजीज भी बोलता है इसको। तो नेक्स्ट आएगा फोर्थ नंबर में फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स भी अंदर वायरल डिजीज में आता है, वो भी कॉमन डिजीजेस है। फाउल पॉक्स डिजीज क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेगा, लेकिन इसके बारे में अभी जान के रखो कि पोल्ट्री डिजीज में फाउल पॉक्स भी पूरा कॉमन डिजीज है इसमें। तो नेक्स्ट आएगा वो है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, उसका शॉर्ट में आई बी बोलते हैं हम लोग, आई बी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट आएगा एवियन ल्यूकोसिस कॉम्प्लेक्स और लिम्फोइड ल्यूकोसिस। नेक्स्ट आएगा एवियन ल्यूकोसिस कॉम्प्लेक्स और लिम्फोइड ल्यूकोसिस। नेक्स्ट आएगा इन्फेक्शियस बार्सेल डिजीज, आईबीडी। बहुत कॉमन डिजीज है आईबीडी, इन्फेक्शियस बार्सेल डिजीज बोलते हैं इसको। उसका डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद इन्फेक्शियस बॉडी हेपेटाइटिस और इन्फेक्शियस एनीमिया, वो भी कॉमन डिजीज है। नेक्स्ट आएगा एग ड्रॉप सिंड्रोम, वो लेयर में पूरा कॉमन डिजीज है एग ड्रॉप सिंड्रोम और एवियन एडिनोवायरस। एग ड्रॉप सिंड्रोम और इसका दूसरा नाम है एवियन एडिनोवायरस, वो भी लेयर पोल्ट्री में कॉमन डिजीज है वो भी। नेक्स्ट आएगा एवियन एन्सेफेलोमेलाइटिस और एपिडेमिक थ्रोमा, एपिडेमिक ट्रेमर, वो भी पोल्ट्री में कॉमन डिजीजेस है वो एवियन एन्सेफेलोमेलाइटिस। नेक्स्ट आएगा एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू भी आप लोगों को पता है बर्ड फ्लू कितना उसका कॉमन डिजीज है, हर जगह पे आउटब्रेक होता है, उसको प्रिवेंशन करने के लिए बहुत मतलब डिफिकल्ट है इसका। एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू, शॉर्ट में बर्ड फ्लू बोलते हैं इसको। तो इतना है वो है वायरल डिजीज, कॉमन वायरल डिजीज ऑफ पोल्ट्री डिजीज, वो है वायरल डिजीज। फिर से देखिए वायरल डिजीज में क्या क्या है, इसका आप लोग जान के रखिए, क्योंकि आप लोग अगर फार्म खुला हुआ है तो डिजीज बारे में मालूम नहीं है तो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपका जो फार्म में आपके देख पालन करना है, आप ये देखना पड़ेगा क्या बीमार हो सकते है, एक बीमार आने से वो क्या बीमार हो सकते है, इसके बारे में आप पता होना चाहिए। इसलिए आप अच्छा से देखिएगा वायरल डिजीज में क्या क्या है, हमें पूरा लिस्ट दे दिया है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ वायरल डिजीज में क्या क्या है। रानीखेत डिजीज, सेकेंड में मराक डिजीज, गम्बरू डिजीज, फाउल पॉक्स, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, एवियन ल्यूकोसिस कॉम्प्लेक्स और इसे शॉर्ट में लिम्फोइड ल्यूकोसिस। नेक्स्ट में इन्फेक्शियस बार्सेल डिजीज और शॉर्ट में आईबीडी। नेक्स्ट में इन्फेक्शियस बॉडी हेपेटाइटिस, इसको शॉर्ट में इन्फेक्शियस एनीमिया बोलते हैं। फिर नेक्स्ट एग ड्रॉप सिंड्रोम और इसका एवियन
एडिनो वायरस भी बोलता है, नेक्स्ट एवियन एन्सेफालोमाइलाइटिस और इपिडेमिक थ्रोमा ट्रेमर, एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू। वो डिज आप लोग याद रखेगा क्योंकि आप लोग का फार्म में कभी भी वायरल डिज आउटब्रेक हो सकते हैं, इसलिए उसके जानकारी रखना चाहिए वायरल डिज में क्या क्या हो सकते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करेगा हम लोग बैक्टीरियल डिज। तो अभी नेक्स्ट डिस्कस करेगा वो है कॉमन बैक्टीरियल डिज ऑफ पोल्ट्री। तो पहले आएगा वो है फाउल कॉलेरा। फाउल कॉलेरा और पेस्टेरोलिसिस वो बैक्टीरियल डिजीज है पोल्ट्री में, बैक्टीरियल डिज में से वो कॉमन डिजीज है। नेक्स्ट आएगा इन्फेक्शियस कोराइजा। इन्फेक्शियस कोराइजा भी कॉमन डिजीज है पोल्ट्री में। नेक्स्ट आएगा पोलराम डिजीज और बेसिलरी वाइट डायरिया। बेसिलरी वाइट डायरिया वो भी बहुत कॉमन डिजीज है पोल्ट्री में, वो होता है पोल्ट्री में आउटब्रेक होता है पोलराम डिजीज और बेसिलरी वाइट डायरिया। नेक्स्ट है वो एक फाउल टाइफॉइड। फाउल टाइफॉइड भी एक कॉमन डिज है बैक्टीरियल डिज में से, वो पोल्ट्री में आउटब्रेक होता है पोल्ट्री में होता है इसमें भी। नेक्स्ट होगा वो है फाउल पैराटाइफॉइड और एवियन साल्मोनेलोसिस, बहुत कॉमन डिज है एवियन साल्मोनेलोसिस। तो वो पास हुआ है बैक्टीरियल डिज, कॉमन बैक्टीरियल डिज ऑफ पोल्ट्री। तो उसका नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जैसे कि उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, क्लिनिकल सिम्टम क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इतना हम दिखाया कि पोल्ट्री में क्या क्या कॉमन डिजीज हो सकता है इसमें। अभी हम लोग डिस्कस किया बैक्टीरियल और वायरल डिजीज। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करूँगा जैसे कि फंगल डिजीज, माइक्रोप्लाज्मोसिस। तो इस बारे में दूसरा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। आप लोग वो लिस्ट आप लोग देखिए अच्छा से, क्योंकि आप लोग अगर फार्म खुला आपका फार्म है तो इसमें आप लोग पता होना चाहिए कि क्या क्या डिजीज आउटब्रेक हो सकते हैं, और इनमें से बैक्टीरियल डिजीज क्या है, वायरल डिजीज क्या है, वो भी पता होना चाहिए। तो अभी आप लोग को ट्रीटमेंट करने के लिए, उसका प्रिवेंटिव मेजरमेंट लेने के लिए आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।